नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और बात तीन राज्य की करेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में क्या कुछ रहने वाला है और इसी के साथ ही देश भर में आज क्या कुछ हलचल रहने वाली है, इन तमाम चीजों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे आज रहने वाले हैं। इसी के साथ ही इन दौरों के दौरान जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही, कई जगहों पर कार्यक्रम को भी संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही आज देखिए, आज से बीजेपी अपना जो प्रचार अभियान है वो शुरू करने जा रही है। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण में नामांकन का आज आखिरी दिन है, इस पर भी बातचीत होगी। यूपी के बाकी बचे नगर निगमों में आज भाजपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसके अलावा देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ पहुंचेंगे। तमाम चीजें देखिए उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। उसके बाद देखिए, अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी आज रीवा में देखने को मिलेगी, यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा वासियों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंचेंगे आज पीएम। तो देखिए तमाम चीजें रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश की आज बात करें तो कई कार्यक्रम इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के रहेंगे। काफी महत्वपूर्ण चीजें रहने वाली हैं। आपको बता दें, एक तरफ निगम चुनाव है जिनको लेकर ताबड़तोड़ तैयारियां की जा रही है, उसी के मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के भी ताबड़तोड़ दौरे हैं। आज सहारनपुर, शामली, अमरोहा के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। सहारनपुर में चुनाव संबंधी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम शामली की बात करें तो शामली में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में भी कार्यक्रम है जिनमें उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए, प्रचार अभियान की शुरुआत आज से बीजेपी करने जा रही है। प्रचार अभियान में विजय रथ रवाना किए जाएंगे आज। तो देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है और यूपी के जो बाकी बचे नगर निगम हैं उनमें आज भाजपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लखनऊ पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से वो यहां पहुंचकर मुलाकात करेंगे। तो महत्वपूर्ण चीजें कुछ देर में हमारे संवाददाता राज भी हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपडेट लेंगे कि किस तरह से शेड्यूल आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, क्योंकि तीन जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हैं और इस दौरान तैयारियां भाजपा की तरफ से पहले ही की जा चुकी हैं। राज हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख राज का करेंगे और जानकारी लेंगे उनसे। तो राज हमारे संवाददाता, राज जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ दौरे रहने वाले हैं, सहारनपुर, शामली, अमरोहा में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो सहारनपुर का बताइए, वहां किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है, कितने बजे सीएम पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि आज बीजेपी अपना प्रचार अभियान शुरुआत कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी रखकर रवाना करेंगे, जहां पर सबसे पहले सहारनपुर से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 10:45 पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए शुरुआत करेंगे। वहीं पर जो विजय रथ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक मूल मंत्र तैयार किया है विजय रथ, जिसको रवाना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहां के अधिकारी के साथ बैठक करेंगे, उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो कैंपेनिंग है वो लगातार आगे जारी रहेगी। ऐसे में हम बता दें, इसको लेकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा की अगर बात करें तो वहां पर पहले से ही सभी अधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है, उसे वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए। कहीं ना कहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है और यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव का जो कार्यक्रम है वो शुरुआत से शुरू हो गया। ऐसे में हम कहीं कहीं तैयारियां जो बीजेपी की, वो तैयारियां जो है वो बहुत तेजी से चल रही है और ऐसे में सभी सीटों पर साधने की कोशिश की जाएगी कि बीजेपी अपनी उनको
पूर्ण बहुमत से उस पर अपनी दावेदारी करें। तो वहीं अगर हम बात करें, देखिए अभी तक स्टेट में और सेंट्रल में इनकी सरकारें रही हैं और अब कहीं ना कहीं ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी कमान खुद संभाल रहे हैं। जहाँ सहारनपुर में 10:45 के आसपास ये कार्यक्रम करेंगे, वहां पर विजय रथ को रवाना करेंगे, उसके बाद लगभग 11 बजे के आसपास जनसभा को संबोधित करेंगे। ये लखनऊ से वो हेलीपैड के जरिए रवाना होंगे। तो कहीं कहीं देखिए कार्यक्रम उनके जो निर्धारित किए गए हैं वो सभी कार्यक्रम इसी हिसाब से निर्धारित किए गए हैं। कुछ समय के लिए जनसभा है, कुछ समय के लिए कार्यकर्ताओं से सम्मेलन का है, कुछ समय के लिए जो पार्षद प्रत्याशी और जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं उनसे मिलने का है। तो लगातार जो उनके कार्यक्रम होता आज से शुरुआत कर दी गई है और जब तक आज अंतिम चरण भी है नामांकन का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कई नामांकनों में भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद सहारनपुर से अमरोहा और शामली में भी यही कार्यक्रम जो निर्गत किए गए हैं उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल। और राज, अगर हम शामली की बात करें, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं सीएम योगी सहारनपुर से शामली और उसके बाद अमरोहा पहुंचेंगे, शामली की अगर बात करें जनसभा को संबोधित किया जाएगा, किस तरह से तैयारी जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल बात आते जिस तरीके से, देखिए विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव जब बीते दिन हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस जिले में दौरा लगा था वहां पर बुलडोजर भी देखने को मिले थे। उसके साथ साथ जनता की जो जनसैलाब था वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में देखने को मिलता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय निकाय चुनाव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ दावेदारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में प्रचार के लिए उतरे हैं तो ऐसे में कहीं जनसभा जो उनकी जो कार्यकर्ता होंगे और जो वहां के क्षेत्रवासी और जो जिलेवासी होंगे वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही सतर्क है और उसके साथ साथ कई जो सतर्कता अधिष्ठान है उनको भी सतर्क पे लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं तैयारियां तो पूरी तरीके से हैं और कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मजबूती के साथ वो लड़ने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है और ऐसे में अगर स्थानीय निकाय चुनाव पर दबदबा बना रहा तो कहीं ना कहीं 24 का चुनाव भी जो होगा वो इनके ही हाथ में होगा। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली हुई है और तमाम जगहों पर उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा देखिए राज, अमरोहा भी पहुंचेंगे, अब कोशिश यही सीएम योगी आदित्यनाथ की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़कर और कहीं ना कहीं वोट मांगते हुए भी नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके हक में और कहीं ना कहीं जोश भरने का काम भी उनकी तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभालने के लिए निकले हैं और वो बीते दिन से ही जिलों के दौरों पर हैं। अब आज जैसे कि आज का जो उनका कार्यक्रम है जहां पर सबसे पहले वो सहारनपुर, उसके बाद शामली, फिर अमरोहा पहुंचेंगे। अमरोहा से उनको लगभग 5:30 बजे के बाद वो 5:30 बजे उनके सारे कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो लखनऊ के प्रस्थान करेंगे। तो उससे पहले जितने भी कार्यक्रम लगे हैं जिसमें इंटर कॉलेज में भी कार्यक्रम लगे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लोगों में एक जोश की तरह एक उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार जो कार्यकर्ता से लेकर बड़े संगठन के अधिकारी हैं वो सभी इस चुनाव में उतरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी जिले के प्रभारी मंत्री, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और उसके साथ साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी तैयारी कर ली गई है और वहां पर जो जनसभाओं को संबोधित करना है सब चीजों की व्यवस्था कर ली गई। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए स्थानीय निकाय जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ पूरा लड़ने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से अगर विपक्ष की बात करें, जहां विपक्ष एक तरफ लगातार वो भी तैयारियों में लगा हुआ है, चाहे आम आदमी पार्टी बात कर लें, चाहे समाजवादी पार्टी बात करें, चाहे कांग्रेस या बसपा पार्टी, जिस तरीके से दावेदारी है वो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दिखा रही है, लेकिन बाकी तमाम पार्टियां भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पहले की तरह टक्कर देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं जो तमाम चीजें उसके हाथ से निकल चुकी है, जो जमीन निकल चुकी है उसको फिर से पक्का करने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। साथ ही साथ बीएसपी भी है जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है पुरजोर कोशिश हम कर रहे हैं और कड़ी टक्कर हम भाजपा को देते हुए नजर आएंगे। राज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और रुख उत्तराखंड का करेंगे। देखिए उत्तराखंड में भी आज काफी कुछ हलचल रहने वाली है। सीएम धामी आज नवनिर्मित भवन एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। उसके अलावा देखिए अगर हम बात करें चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा की एक तरफ शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ देखिए मौसम लगातार बदलता जा रहा है।
ऐसे में कुछ ही दिन में ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तराखंड से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम अगर ऐसे ही बदलता रहेगा, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की बात कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से, तो इसका असर चारधाम यात्रा पर क्या कुछ पड़ेगा और उसके लिए क्या उचित इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग पर पहली बार 50 हेल्थ ATM लगा दिए गए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ी सुविधा लोगों के लिए की गई है, यात्रियों के लिए की गई है, श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर पहुंच रहे हैं रोजाना तौर पर दर्शनों के लिए, तो ये तमाम चीजें आज रहने वाली है। तो उत्तराखंड में सीएम धामी आज नवनिर्मित भवन एवं फायर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी और बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। तो सुभाष गौड़ हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख सुभाष जी का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं सीएम धामी को लेकर ही जानकारी चाहूंगी। सीएम धामी आज नवनिर्मित भवन और फायर स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं, क्या जानकारी इसको लेकर, शेड्यूल किस तरह से रहेगा, कितने बजे वो पहुंच जाएंगे? जी स्वाति, लगभग 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि SDRF भवन में जो SDRF भवन निर्माण जो लगातार डोईवाला में पिछले लंबे समय से किया जाना था और ये मांग की जा रही थी कि SDRF के लिए एक अलग से भवन बनाया जाए, तो उसके लोकार्पण के लिए और फायर स्टेशन के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून के डोईवाला में जाएंगे, जहाँ उसका भवन का लोकार्पण करेंगे। हालांकि SDRF एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्तराखंड में निभाती हुई नजर आती है, जब कोई भी रेस्क्यू करना हो, जब भी कोई आपदा जैसी स्थिति प्रदेश में बनती है तो SDRF को सबसे आगे रखा जाता है, यानी कि पुलिस फोर्स की वो फोर्स जो किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे है, SDRF उसके लिए महत्वपूर्ण आज दिन है कि उनका जो भवन लोकार्पण है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और यहीं से अब मुख्यालय के तौर पर SDRF ऑफिस अब डोईवाला में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके साथ ही फायर सेंटर भी वहाँ SDRF भवन के अंदर बनाया जा रहा है, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण चीजें चाहिए होंगी आपदा की स्थिति में तो वो डोईवाला से SDRF भवन से भेजी जाएगी, यानी कि कभी भी उत्तराखंड में कोई भी आपदा आती है, चाहे वो नदी में हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे ग्लेशियर्स में हो, उसके लिए SDRF को पुलिस की तरफ से सबसे पहले भेजा जाता है, क्योंकि ये वो फोर्स है जो किसी भी समय रेस्क्यू के लिए तैयार रहती है, कोई भी वक्त हो केवल सूचना मिलने की जरूरत है और वो रेस्क्यू सेंटर में पहुंच जाती है, यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए जाना हो, आग के बीच जाना हो, नदी में गोताखोरी करने के लिए जाना हो, तो तमाम जो महत्वपूर्ण रेस्क्यू है वो SDRF करती है उत्तराखंड में। और उसका आज भवन निर्माण को लेकर लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 बजे दोपहर में करेंगे, यानी कि अब उनको अपना भवन मिल जाएगा और यहीं से सारी चीजें अब संचालित भी की जाएंगी, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि जो पिछले बार चार धाम यात्रा शुरू हुई थी तो SDRF की महत्वपूर्ण भूमिका हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में लगाई गई थी, चाहे वो केदारनाथ हो या फिर गंगोत्री। जब भी केदारनाथ मार्ग पे कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिसके लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो SDRF उस जगह पर मौजूद होती है और SDRF उन लोगों को सुरक्षित या तो सुरक्षित स्थान पर ले जाती है या फिर स्वास्थ्य सेंटर पर ले जाती है, यानी कि SDRF की भूमिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण अब उत्तराखंड में हो गई है, क्योंकि आपदा किसी भी समय उत्तराखंड में आ जाती है और ऐसे समय में एक ऐसी फोर्स की जरूरत उत्तराखंड को जरूर थी, जो फोर्स किसी भी स्थिति में किसी भी वातावरण में बेखौफ होकर कार्य करे, तो ऐसे में SDRF की महत्वपूर्ण भूमिका और SDRF का जो भवन निर्माण है वो डोईवाला में किया जा रहा है। हालांकि राजधानी देहरादून में ही भवन है, लेकिन क्योंकि डोईवाला राजधानी देहरादून के शहर से थोड़ा दूर है तो ऐसे में उनके लिए वहाँ व्यवस्थाएं बहुत बेहतर करी गई हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट है उसके साथ ही उस कार्यालय को बनाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी स्थिति हो तो हर तरीके से जो मदद है वो चाहे यात्री हो या कोई व्यक्ति हो या पर्यटक हो या फिर ट्रैकर हो उनको मिल पाए। हालांकि अब SDRF के पास अपने हेलीकॉप्टर्स भी हैं, तमाम वो रेस्क्यू के सिस्टम भी है जिससे किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सके और ऐसे में मुख्यालय का तैयार होने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि वहाँ तमाम जो अधिकारी अभी तक राजधानी देहरादून के PHQ में बैठते थे या फिर SSP ऑफिस में जितने भी कार्यालय बनाए गए थे वहां बैठते थे, अब वो अपनी बखूबी ड्यूटी मुख्यालय से निभाएंगे जो कि SDRF की मुख्यालय बना दिया गया। और पहले तक ये देखा जाता था कि
उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। हालांकि हर जिले में अपना एसडीआरएफ का सेंटर्स बनाए गए और जो भी ऐसे एरिया है जहां सबसे ज्यादा आपदा आती है उन जगहों पर उन क्षेत्रों में भी एसडीआरएफ के कैंप्स लगाए गए, लेकिन इनका एक मुख्यालय की जरूरत थी, जो मुख्यालय अब उनको मिल जाएगा और यहीं से सभी चीजें संचालित की जाएंगी। स्वाति बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बेहतर सुविधाएं लोगों तक तो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी, चाहे हम एसडीआरएफ एनडीआरएफ इन तमाम चीज़ों की बात करें, उनको भी कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार कर रही है। सुभाष जी, अगर हम चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो देखिए, अब इस बार पहली बार 50 हेल्थ ATM भी लगाए गए हैं, क्या जानकारी इसको लेकर, और जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँच रहे हैं कैसे इसका इसकी जो सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचेंगी, अगर हम इसकी मदद की बात करें, लोग क्या कह रहे हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, साथ ही यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ये कहा जा सकता है कि हेल्थ ATM पहले भी लगाए जाते थे, लेकिन क्योंकि पहले हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते थे जिसमें फार्मासिस्ट और तमाम वो लोग होते थे जो कि स्वास्थ्य का चेकअप करते थे किसी भी यात्री का उसको यात्रा शुरू करने से पहले, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि चार धाम मार्ग पर लगभग 50 से अधिक ऐसे स्वास्थ्य ATM लगाए गए हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान वहीं पे हो पाए, यानी कि जब तक उसे हायर सेंटर पर पहुँचाया जाए उससे पहले उसका प्राथमिक जो चिकित्सा उसको मिलनी चाहिए वो उन सेंटर्स पर मिल पाए, ताकि कोई दुर्घटना प्रदेश में चार धाम यात्रा के दौरान ना हो। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग की तमाम टीमों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ऐसी टीम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बनाई जाती है जिनकी ड्यूटी चार धाम मार्ग पे लगाई जाती है, चार धाम मंदिर के पास लगाई जाती है और केदारनाथ की जो चढ़ाई है यानी कि केदारनाथ की जो हाइट है 11,000 फीट, उस क्षेत्र में भी जो स्वास्थ्य कर्मी है वो पहुंचते हैं ड्यूटी करने के लिए। तो कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की लिहाज से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन अभी भी वो मशीनरी वहाँ मौजूद नहीं है जिसकी जरूरत वहाँ होनी चाहिए थी। हालांकि जैसे ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले तो जो श्रद्धालु है वो जरूर वहाँ यात्रा करने के लिए पहुंचे और जो श्रद्धालुओं की संख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये देखा गया कि कल एक श्रद्धालु की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, यानी कि उसे हार्ट अटैक आया उस क्षेत्र में और उसकी मौत हो गई। हालांकि वहाँ पे ऐसी मशीनरी होती जो उनको जल्द से जल्द हायर सेंटर पहुँचा पाती या उसको सुरक्षित कर पाती, तो वैसी मशीनरी की अभी भी कमी है, लेकिन क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जब चढ़ाई करके कोई व्यक्ति धाम तक पहुंचता है तो उसका बीपी और हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और चार धाम यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा जो समस्या वो यही आती है कि या तो हार्ट अटैक से किसी की मौत हो गई या फिर बीपी से। तो ऐसे में राज्य सरकार को अब और तेजी दिखानी पड़ेगी स्वास्थ्य विभाग के जरिए, ताकि ऐसे लोगों का चेकअप हर 1 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद किया जा सके। स्वाति, ठीक है सुभाष जी, सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा के दौरे पर रहने वाले हैं, उस दौरान हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला वो रखेंगे। इसके अलावा देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो देखिए कर्नाटक चुनाव जो बेहद ही करीब है और ऐसे में तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। कहा जा रहा है देखिए कि बीजेपी उम्मीदवार आर अशोक के लिए प्रचार प्रसार करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, कनकपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वो जनसभा करेंगे। हमारे संवाददाता सुदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, सीधा रुख सुदीप का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सुदीप, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मैं आपसे करना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आज रीवा में रहेगी, सुदीप क्या कुछ जानकारी इस दौरान, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला उनकी तरफ से रखी जाएगी, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का दौरा लगातार शुरू हो चुका है, वो इसी दौर में आज वो 24 तारीख को रीवा पहुंचेंगे और वहां पे लगभग 1700 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का वहां पे लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उसको देंगे, सौगात देंगे। बात करेगा रीवा की, तो देख लीजिए आप जिस तरीके से 2023 में लोकसभा वहां पे चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो इसको कहीं कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का जो अहम चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का, वो बीजेपी अपना मैदान उतार चुकी है। वही बात करें अगर कल की, कल प्रधानमंत्री मोदी केरल दौरा करेंगे, तो आप ये जान लीजिए लगभग 36 घंटे में 35,000 किलोमीटर की
हवाई यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, केरल में कल हो जाएंगे, वहां पर पानी में चलने वाली मेट्रो की वो शुरुआत करेंगे। और मेट्रो सबसे खास बात यह है, उसके लिए कोई ट्रैक नहीं चाहिए, वो पानी में चलेगी, पानी पे चलेगी वो मेट्रो, और जो उसका किराया वो भी बहुत कम ही है, बहुत सस्ता है, 180 रुपए आपको पे करना पड़ेगा, जिससे आप लगभग 7 दिन तक यात्रा कर सकेंगी। तो कहीं ना कहीं साफ रूप से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 में मध्य प्रदेश होने वाला है, उसी के तहत बीजेपी अपना जो रोड मैप तैयार कर रही है, उसी के तहत कल आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां पर कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ सुदीप, हाँ, कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें तो देखिए समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ अगर हम तैयारियों की बात करें तो तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं, खासकर की अगर बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें। देखिए कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले हम राहुल गांधी का दौरा देख चुके हैं वहां पर, और जिस तरह से चुनाव प्रचार वो करते हुए नजर आए, और अब देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे, क्या जानकारी इसको लेकर? जी स्वाति, अगर देखा जाए तो आज के लगभग 16 दिन बाद कर्नाटक में चुनाव होना है और 19 दिन बाद उसका रिजल्ट आना है। ऐसे में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वहां की क्षेत्रीय पार्टी हो, सब पूरा जोर कोशिश नहीं कर रहे हैं चुनाव जीतने की। अब अगर इसमें हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तभी आप देखें कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था, कल 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे थे, और परसों अभी आप देख लें मतलब शनिवार को तो 3 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा थे। अब ऐसे में वहां पर जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कुछ है कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे में आप ये कह लें कि जिस तरीके से विपक्ष एक साथ कहता है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, सीबीआई ईडीआई की उस पर दबी डलवाई जाती है, तो वहीं अगर क्षेत्रीय मुद्दों देख लें तो देखिए मुद्दा बहुत बड़ा है वहां पे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जिस तरीके से अमूल दूध भी अब जाकर कर्नाटक में अपनी पहचान बनाना चाह रहा है, अमूल दूध भी कर्नाटक में जाकर अपने दूध उत्पादन को बढ़ाएगा, तो वहां पे जो वहां का निजी है, निजी कंपनी दूध की, वो नंदनी है। नंदनी का रेट अगर आप देख लें तो 39 रुपए है, वहीं अगर अमूल को देख लें तो वो 54 रुपए, लगभग 15 रुपए का जो अंतर है। इस पर भी पूरी राजनीति हो रही है, अब कांग्रेस हाथ में बढ़िया मामला आ गया, कांग्रेस को बढ़िया, कांग्रेस को लपक मिल गया है। अब ऐसे में अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कर्नाटक में ये माना जा रहा है कि वहां पर जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं उस पर सीएम योगी काफी प्रभाव डाल सकते हैं। अगर 2018 चुनाव की बात करें उसमें सीएम योगी ने जिस तरीके से रैली की थी, जिस तरीके से उनको प्रचारक बनाया गया था, उसमें इन्होंने 32 सीटों पर जाकर वो अपनी रैली की थी, 32 सीटों में 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में सीएम योगी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन अभी हम क्लियर नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं कह सकते कि सीएम योगी का दौरा कब होगा, क्योंकि जो सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली वो लगभग 28 से उनका दौरा शुरू होगा वहां पे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि यूपी में निकाय चुनाव है, तो इस सबको देखते हुए जब सीएम योगी के सही समय लगेगा तब हो जाएंगे। अब बात करें प्रधानमंत्री मोदी की, तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी 26 तारीख से लगातार कर्नाटक में रहने वाले हैं, और इस दौरान वो लगभग 26 रैलियों को संबोधित करेंगे और वहां पर रोड शो करेंगे। तो इन सब तमाम चीजों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में अधिक अहमद चाहे मेट्रो ले लें, चाहे राम मंदिर निर्माण का ले लें, तो ये कहीं कहीं सब कुछ मिलाकर अगर देखा जा सकता है कि सीएम योगी को एक हिंदुत्ववादी नेता माना जाता है, और वो जो है बीजेपी के लिए काफी काफी हर तरीके से वो तैयार नजर आते हैं, और अपने भाषण के तहत अपने संबोधन के तहत लोगों को साफ तौर पर कि कर्नाटक चुनाव जीता जाए, और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे हैं जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है तमाम वो कर्नाटक पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले समय में वहां पर पहुंचेंगे और लगातार बैक टू बैक उनकी रैलियां रहेंगी, सीएम योगी भी इसी सिलसिले में वहां पर पहुंचेंगे। अगर इस बीच सुदीप बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो किसकी तरफ हवा जाती हुई नजर आ रही है, जनता क्या कह रही है, क्या लग रहा है समीकरण किसकी तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए साथ ही अगर बात की जाए समीकरण की, तो जिस तरीके से पिछले लगभग एक हफ्ते के अंदर बीजेपी से 47 नेता उनके जो पूर्व में आप उनके पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली थे या पूर्व जो विधायक थे वहां के जो सांसद थे, लगभग 47 नेता उनके बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, तो बीजेपी की राय इतनी आसान होने वाली वहां नहीं है। 2018 चुनाव परिणाम देख लें तो वहां पे कांग्रेस जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसकी गठजोड़ उनकी पार्टी बनी थी, वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो सरकार उनकी केवल 14 महीने चल पाई थी, फिर बीजेपी से गठबंधन हुआ, बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसे में लगभग बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगभग 80 सीटों पर अपना प्रभाव डालती है, उसमें सबसे बड़ा जो दौरा है, सबसे बड़ा जो वहां पर एक्स फैक्टर माना जा रहा है वो सीएम योगी का है,
क्योंकि 2018 में हमने अभी पहले बताया आपको कि लगभग 32 सीटों पर उन्होंने अपना प्रचार किया, रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, जिसमें 32 सीटों पर उनको जीत मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये काफी गर्म है। तो कर्नाटक चुनाव को 2024 लोकसभा से जोड़ा जा रहा है और उसमें आप ये मान लीजिए कि वो पहली कड़ी या सेमीफाइनल कर लीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल कहा जा रहा है उस तरीके से कर्नाटक में सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अब बात करें अगर कांग्रेस की, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्नाटक चुनाव जीत कर वहां अपनी सरकार बनाकर ये सबसे बड़ा झटका देने के लिए बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया जाता था, अब वही बात करें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में सबसे ज्यादा समय राहुल गांधी ने व्यतीत किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकती हैं हर तरीके से बीजेपी भी तैयार है, हर तरीके से कांग्रेस भी तैयार है। 16 दिन बाद जब चुनाव होगा, 19 दिन बाद जब इसका परिणाम आएगा तो साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इस बीच हम मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है, राहुल गांधी जिस तरह से कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनका कर्नाटक में ही उन्होंने देखिए वो बयान दिया था जिसकी वजह से वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, 2 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। अब कोशिश यही कांग्रेस की कि कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और कहीं ना कहीं लोगों का वोट बैंक उनको मिले, सिंपथी वोट्स कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, इसलिए लगातार पूरा जो फोकस है कांग्रेस का वो इसी पर ही है अगर कर्नाटक की बात करें। दूसरी तरफ देखिए अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार अडानी का मुद्दा लेकर बीजेपी पर हमलावर है, इसके अलावा क्या स्थानीय मुद्दे वहां पर रहने वाले हैं, क्योंकि ये तो तमाम मुद्दे देश भर में उठाए जा रहे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे हम किसी भी चुनाव की बात करें चाहे हम आम चुनाव की बात करें, कर्नाटक में क्या ऐसे मुद्दे हैं? देखिए कर्नाटक में इसमें 2 आम मुद्दे हैं जिस तरीके देखा जा सकता है अभी राजनीति, देखिए राजनीति किसी की नहीं होती, राजनीति में जो उसको लपक ले, जो उसमें अपनी रोटी सेक ले, राजनीति हमेशा उसी रही। हमने पहले बताया आपको जो वहां पे सबसे गर्म मुद्दा इसमें चल रहा अमूल दूध और नंदिनी दूध में, और जो दूसरा मुद्दा उसमें बढ़कर आया है आपने देखा होगा कि वहां पर जो आप देखा जाए कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा मिर्च उत्पादन होता है, ऐसे में मिर्च उत्पादन गुजरात में भी होता है, तो गुजरात की मिर्च को लगभग 20 लाख क्विंटल गुजरात में लाया गया, तो इससे जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, वहाँ के जो किसान हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये भरोसा है कि हमारी मिर्च को दबाया जा रहा है, गुजरात लाके यहाँ के उत्पाद मराया जा रहा है। अमूल की बात कर ली, वो भी गुजरात की फैक्ट्री है। ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए कई महत्वपूर्ण चीजें आज रहने वाली हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचेंगे, उनकी मौजूदगी वहां पर रहेगी, तो वहीं कुछ ही दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर्नाटक पहुंचेंगे और बीजेपी के जो चेहरे हैं वहां पर उनके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा सीएम धामी के कई दौरे रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जगहों के दौरे पर हैं, निगम चुनावों के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कई और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी और पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।